कि आपको अभी टें टेंशन लगता है बट डोंट वरी फ्रॉम टूडे इट विल बी ईजी एंड ईजी फॉर यू बिकॉज यू आर वॉचिंग द जीनियस लर्नर हेलो माई सेल्फ एम एस रजा एंड वेलकम टू एवरी वन आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ टेंसेस टेंस क्या है टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर क्या अर्थ होगा कि जो टेंस होता है वो वर्ब का एक फॉर्म होता है वर्ब या क्रिया का एक रूप होता है जो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कुछ घटित होने का अर्थ देता है कुछ होने का अर्थ देता है ठीक तो जो टेंसेज होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस होते हैं उसके बाद जो है ये तीनों टेंस आगे फोर टेंसेज में डिवाइड किए गए हैं या वाइट बोर्ड पे लिखा गया है ये आपका टेंस है टेंस टेंगे तो और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो टेंस का मतलब होता है टाइम पीरियड काल समय वक्त है ना कुछ भी आप कह सकते हैं ये तीन टाइप के टेंस हो गए हैं प्रजेंट पास्ट एंड फ्यूचर फिर जो है तीनों फोर टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं एक प्रेजेंट का फोर टाइप्स इंडिफिनट कंटीन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूस फिर पास्ट टेंस भी फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल टेंस पास्ट कंटीन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसी तरह तरीके से ये जो फ्यूचर टेंस हैं ये भी फोर टेंसेज में डिवाइड किए गए हैं ठीक तो इस प्रकार से जो टेंसेज हो गए आप कितने हो गए हैं चार इधर चार इधर और चार इधर तो कितने हो गए बारह टेंस हो जाते हैं अब हम हर टेंस का one one टेंस वन बाई वन करके स्टडी करेंगे टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक अब जो हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस आया हुआ है तो आप जानते हैं कि हर टेंस की एक पहचान होती है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिकल्स हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है उसकी अपनी एक पहचान होती है जैसे मेरी पहचान क्या है मेरी पहचान मेरा चेहरा है मेरी पहचान मेरी आवाज़ है मेरी पहचान क्या है मेरा कपड़ा है ठीक वैसे जो प्रेजेंट इंडिफिनट टेंस है इसकी भी अपनी पहचान होती है अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है ता हूँ ते है ये सब शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इनडिफिट टेंस होता है ठीक अब तो देखिएगा जो भी टेंस आते हैं ना वो टेंस सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं हम यहाँ असर्टिव टाइप है अफॉर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक इसके थ्रू जो है हम इस प्रेजेंट प्रजेंट टेंस को पढ़ लेते हैं देखिए क्या रूल बरम, रूल नंबर वन में क्या है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो या ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन आए है ना सिंगुलर नाउन का मतलब कोई राम श्याम गोलू मोनू सोनू काऊ बॉय गर्ल टेबल ये सब क्या सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ क्या क्या चेंजेस करेंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस लगा देना है राइट एसिया यस लगा देना है उसके अलावा कोई भी वर्फ आती है तो कोई भी वक्स का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर देखिए यहाँ देख लीजिए देखिए अगर रूल नंबर टू में यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है मतलब आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन आ गया है पिलुरल का मतलब इसे बॉयज़ गर्ल्स काउज टेबल्स पेंस है ना ये सब क्या है पिलुरल लाउन है तो इनके साथ सब्जेक्ट के साथ इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आईस नहीं लगाएंगे देखिएगा जो वर्ब्स होती है ना उस वर्ब्स की जो रूट फॉर्म होती है वो रूट फॉर्म हमेशा पिलुरल में होती है हमेशा पिलुरल में होती है बहुवचन में होती है जब सब्जेक्ट सिंगुलर का आता है तो उस वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है अब चूँकि ये प्रेजेंट इन टेंस है और पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाला है तो यह कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है कि हम सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब वो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ लगा दें तो हम यहाँ पर वर्ब को सिमिलर बनाने के लिए क्या करते हैं उस वर्ब के लास्ट में एस या यस लगा देते हैं अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ पर हम एस लगाएंगे और कहाँ पर यस लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर ये नोट करके यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस, एस आए तो उस वर्ब के लास्ट में हम क्या लगाएंगे यस लगा देंगे ठीक जैसे है ना गो गो का गोज़ ये क्या है फिक्स फिक्सेज रश रशेज, सर्च सर्चेज, पास पासिस ऐसे ऐसे हो जाता है ये लगा देंगे ठीक है अब इसका देखिए ये फार्मूला हो जाएगा रूल नंबर टू क्या है कि यदि उस सब्जेक्ट का सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है मतलब आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउंस आ गया प्लूरल नाउन्स का मतलब बॉयज गर्ल्स टेबल्स काउस है ना ये सब अगर आए तो इन सब्जेक्ट के साथ की के फॉर्म में सी आई एस नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर का रहेगा तो वब भी सिंगुलर में ही लिखी जाएगी मतलब क्या है कि जब पहले से ही पिलुरल में रहेगी जब सब्जेक्ट प्लूरल का आएगा तो वर्ब भी पिलुरल में ही लिखेंगे मतलब क्या है कि उस वर्ब के लास्ट में सी आई एस नहीं ऐड करेंगे राइट देख लीजिए यहाँ पर ये यह फार्मूला हो जाएगा फ्रेम एग्ज़ाम्पल दिया है क्या मेरी माँ मुझे दूध देती है अब सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको टेंस को पहचानना है कि टेंस क्या आया है तो हर टेंस की अपनी एक पहचान है लास्ट में देखते हैं क्या आया है जैसे है ना ये हाय हु कौन सा टेंस बता रहा है प्रेजेंट बता रहा है प्रेजेंट भी फोर टाइप्स के होते हैं उनमें से ये कौन सा है इसको जानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए इसके थोड़ा सा पहले आते हैं क्या यहाँ दिया है ती अब ते कौन से टेंस में आता है इनडेफिनेट में आता है तो ये क्या होता है ये प्रजेंट इंडिफिनेट टेंस हो गया आप देखिएगा यह सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा सेंटेंस है सेंटेंस है ठीक तो ट्रांसलेट जब करेंगे तो सबसे पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है मेरी माँ यहाँ लिख देते हैं माई मद अब सब्जेक्ट ये सिंगुलर का है जब सब्जेक्ट सिंगुलर का रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लिखेंगे अब यहाँ पर वर्ब को सिमुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं लास्ट में एसिया यस ऐड कर देते हैं यह सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब वहाँ पर वर्ब क्या है काम क्या है यानी मेरी माँ कौन सा काम कर रही है देने का काम कर रही है यानी दूध दे रही है देना ये वर्ब है देना और देना की इंग्लिश क्या होती है गिव अब चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो हम लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ये गिव होता है एस ऐड कर देंगे है ना ऑब्जेक्ट क्या है मुझे यानी मी मिल्क मिल्के भी ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राइट अगला सेंटेंस है ये लड़कियाँ अपना पार्ट याद करती हैं सबसे पहले आपको इसमें टेंस आइडेंटिफाई करना है टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस सेंटेंस के लास्ट में देखना है क्या आया है आया क्या है है, है प्रेजेंट टेंस बता रहा है अब उसके पहले आएंगे तो ती मिल रहा है तो ये कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट इन टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या ये लड़कियाँ ये लड़कियाँ का क्या हो जाएगा ये दीज दीज ये स, है, दीज, संकेत सर्वनाम है गर्ल्स 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 अब दीज हैं, ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ये पिलुरल नंबर में है ना तो जब सब्जेक्ट पिलुरल का रहेगा तो वर्ब भी पिलुरल में ही लिखेंगे मतलब क्या है कि उस वर्ब के लास्ट में ऐसे आई एस नहीं ऐड करेंगे दिस गर्ल्स व क्या है याद करना लर्न अपना पार्ट अपना पार्ट का क्या हो जाएगा लर्न दिया लेसन ठीक है ना अपना पार्ट दिस गर्ल्स लर्न दियर लेसन नेक्स्ट है वह प्रतिदिन बाजार जाती है प्रेजेंट हो जाएगा ये इंडिफिनेट हो जाएगा प्रेजेंट है सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वह है वाह इंग्लिश जो होती है ही और शी क्या लगेगा चुके ती आया है तो यहाँ पर जो वह लगेगा प्रोनाउन वो लड़की के लिए आएगा तो तो शी वर्ब क्या है जाना गो होता है और चूँकि शी सिमिलर सब्जेक्ट है तो जब सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर और प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब को सिमिलर बनाने के लिए क्या करते हैं एस आई एस लगाते हैं हम जो यहाँ आया है गो गो के लास्ट में क्या है ओ तो जब ओ रहेगा तो क्या ऐड करेंगे ये है ना देखिए ओ है तो क्या लगाएंगे यस लगा देंगे गोज टू मार्केट बाजार प्रतिदिन दिया डेली या एवरी डे भी होता है ठीक है ना ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है बी नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य रूल नंबर वन है कि यदि सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है अफामेटिव में तो नहीं आती है बट नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डू do और डज़ आती है ठीक तो अगर सब्जेक्ट का सॉरी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर नंबर का है तो हम क्या करते हैं कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं डज का यूज़ करते हैं और यदि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, मतलब आई वी यू दे या कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं डू का प्रयोग करते हैं देखिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो ये डू है है ना ये प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का आता है तो हम क्या करते हैं अब वर्ब को सिंगुलर नहीं बनाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे ठीक है ना अब हेल्पिंग वर्ब को चिंगलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं जैसे ओ आया है तो हम क्या ऐड कर देंगे यस बराबर क्या हो गया डज ठीक है ना यही खेल है यहाँ पर तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सब्जेक्ट है प्लस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक यूज़ करेंगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदरवर्स लगा देंगे एग्जाम्पल है सपना एक मधुर गीत नहीं गाती है अब देखिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस में यूज किए गए टेंस को पहचानेंगे ठीक है प्रजेंट तातीत प्रजेंट इन डिफिनेट टेंस हो गया अब नहीं आया है तो नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सपना सब्जेक्ट है सपना ये लड़की का नाम है सिंगुलर सपना सिंगुलर ये नाउन का सब्जेक्ट है सपना तो जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाएंगे और सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर नंबर की डज अब डज के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे नॉट क्योंकि okay? नहीं आया है नहीं के लिए अंग्रेजी में हम क्या लगाते हैं जनरली नॉट का प्रयोग करते हैं सपना डज नॉट अब यहाँ पर काम क्या है वर्ब क्या है आ, गाना सिंग और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आ स्वीट सॉन्ग ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल है वे शाम में फुटबॉल नहीं खेलते हैं फुटबॉल नहीं खेलते हैं मिस हो गया। फुटबॉल नहीं खेलते हैं ना प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है सब्जेक्ट क्या है दे अब दे ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली ही यूज़ की जाएगी ठीक है ना तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है डू दे डू अब नहीं आया है तो नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट दे डू नॉट वह अब क्या है खेलना खेलना मतलब प्ले दे डू नॉट प्ले फुटबॉल फुटबॉल इन इन द शाम में, इन द एवनिंग द एवनिंग ठीक एग्जाम्पल नंबर थ्री वह अपने मित्र के साथ नहीं पढ़ती है नहीं पढ़ती है ती है आया है तो ये सिंपल प्रेजेंटेंस हो गया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट गया हुआ, अब ती आया है तो यहाँ वहाँ की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे शी लगा देंगे ठीक शी अब सब्जेक्ट ये सिंगुलर नंबर का है तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाले ही लगाएंगे हम क्या लगा देंगे डज उसके बाद जस्ट बाद नॉट उसके बाद वब आए कि वह क्या है पढ़ना शी डज नॉट स्टडी या रीड शी डज़ नॉट स्टडी अपने मित्र के साथ अपना सा, साथ साथ का क्या हो जाएगा साथ की इंग्लिश होती है विद और अपने मित्र देखिए शी है ना तो शी के साथ अपना की इंग्लिश क्या आती है हर आती है हर विधा मित्र आया है मित्र मतलब फ्रेंड ठीक ये आपका क्या है नेगेटिव सेंटेंस हो गया देखिएगा यदि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड के रूप में नेवर आया हो या कभी नहीं आया हो तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो न, कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे नेवर लगाएंगे ठीक है नेवर लगाएंगे और जब नेवर लगा देंगे तो उसके बाद आपको डू डज डजनाट ये सब नहीं लगाना है फिर उसके बाद क्या करेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा तो उस वर्ब के लास्ट में हम एस या ई एस ज़रूर लगाएंगे जैसे अफर्मेटिव में आप यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ई एस उसी प्रकार से अगर निगेटिव सेंटेंस में नेवर आया है तो नेवर के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी और एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा उसका फार्मूला देख लीजिए इससे मान लीजिए सब्जेक्ट ये है सिमिलर सब्जेक्ट अगर बाई चांस आ जाए सिमिलर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस तो क्या हो जाएगा वर्क की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आपको एस या ई एस एड कर देना फिर ऑब्जेक्ट आगे आएगा अगर प्लुरल नंबर का सब्जेक्ट है तो एस सी आई एस नहीं लगाएंगे ठीक है ना सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का आएगा तभी तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस ए आई एस लगा देना है राइट ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं एक है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले दूसरा क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होने वाले यदि हिंदी के सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही है तो उस क्या शब्द के लिए हम वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे डू या डज बिज कोई एक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ठीक है ना यहाँ पर देखिएगा यदि सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो तो जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस क्या शब्द के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डू या डज में से किसी एक का करेंगे वो भी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो डज प्लुरल है तो डू फिर की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदरवाइज लास्ट में पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे रूल नंबर टू में क्या है कि यदि जिस वर्ड से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है वो सेंटेंस के बीच में आए वाक्य के बीच में आए जैसे कौन कौन हो सकता है कब कहाँ क्यों कैसे कौन सा कौन सी है ना कितना कितनी क्या कैसे ये सारे वर्ड्स अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश आप लिखेंगे उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट है बाकी सारी चीज़ें वही है कॉमन है क्वेश्चन वर्ड डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट वो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद अदरवाइज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा नहीं एग्जाम्पल देखिए दिया कि क्या कुत्ता अजनबी पर भोगता है ठीक अब क्या से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या इस क्या शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंड टेंस है और ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला है क्योंकि यह क्या से स्टार्ट हो रहा है तो जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए वाट नहीं लगाएंगे बल्कि डू या डल में से कोई एक हम लगाएंगे एक, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहां पर क्या है कुत्ता कुत्ता ये, ये है सिंगुलर नाउन है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली ही लगाएंगे क्या लगाएंगे क्या के लिए डज डज द डॉग क्या है भौकना बार्क बार्क एट stranger स्ट्रेंजर माने अजनबी अगला है शेर कहाँ दहाड़ता है ठीक है ये प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से देखते हैं कि इस सेंटेंस में किस वर्ड से क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है तो ये कहाँ आया है ना क्या कहाँ से ये सवाल पूछा जा रहा है कहाँ शब्द से तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इस कहाँ शब्द की इंग्लिश फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो किसके मीन्स होता है कहाँ वे आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है शेर और यहाँ पर ये सिंगल है यानी सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वेयर डज द लायन किसके माने होता है दहाड़ना रोड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अगला है हम अभ्यास कैसे करते हैं ये प्रेजेंट यह प्रेजेंट टेंस लास्ट में पंक्चुएशन क्या आया है क्वेश्चन आया है अब देखिएगा सेंटेंस हम देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जिससे सवाल पूछने का बोध होता है तो यहाँ पर क्या है कैसे कैसे तो सबसे पहले इस कैसे वर्ड की आप इंग्लिश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हाउ अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा सब्जेक्ट क्या है हम हम है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाले ही लगाएंगे और प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है डू हाउ डू सब्जेक्ट क्या वी हाउ डू वी अभ्यास करना प्रैक्टिस लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे ठीक है ना हाउ डू वी प्रैक्टिस रूल नंबर थ्री है कि यदि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड आया है वो क्वेश्चन वर्ड तो के रूप में वर्क तो करेगा ही करेगा प्लस वो सब्जेक्ट का भी काम करे वो एक ही शब्द है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी वो हो, कौन होता है वो कौन ही होता है यानी कौन हो ठीक है ना तो इसका फ्रेम क्या हो जाएगा हो प्लस वो आपके फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपको ऐसे आई एस ऐड करना है प्लस ऑप्यूट प्लस, प्लस, प्लस अदर वर्ड्स अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी क्यों नहीं लगेगी क्योंकि हु आया है और हु जो है दो तरीके से काम करता है एक ये क्वेश्चन वर्ड है ये प्रश्नवाचक शब्द है और दूसरे यही सब्जेक्ट भी है तो जब हम दूसरे साइड से हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो अब सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया तो सब जब सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तो उसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे कैसे हम करते थे कि सब्जेक्ट सिमिलर होने पर वर्ब के लास्ट में हम एस आई एस एड करते थे ताकि वो वर्ब भी सिमिलर बन जाए तो यहाँ भी वही केस होगा दूसरा रूल फोर है मतलब रूल नंबर फोर है कि यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में कितना कितनी कितने कौन सा कौन सी कौन से अगर ये शब्द आता है तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे फिर इनके जस्ट बाद इनसे जो रिलेटेड नाउन होता है जो नाउन होता है उस नाउन को इस क्वेश्चन वर्ड के बगल में ही लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट फिर आगे के आगे के वर्ड से लिखेंगे देखिएगा कितना की इंग्लिश होते हैं हाउ मच और हाउ मेनी ठीक है ना और कौन सा होती है विच और हुज अब देखिए कहाँ पर हाउ मच लगेगा कहाँ पर हाउ मेनी लगेगा कहाँ पर विच लगेगा कहाँ पर हुज लगेगा तो ध्यान रखिए अगर कितना कितनी कितने के, के जस्ट बाद जो नाउन आता है वो नाउन अगर काउंटेबल है यानी गिनने योग्य नाउन है उसको गिना जा सके तो हम कितना या कितने इंग्लिश क्या लगाएंगे हाउ मेनी लगाएंगे और ये नाउन जो है वो अनकाउंटेबल आने पर या उस नाउन को अगर हम काउंट ना कर सकें केवल उसको हम मेज़र कर सकें माप सकें तोड़ सकें या नाप सकें तो कितना और कितने इंग्लिश क्या लगाएंगे हाउ मच लगा देंगे फिर कौन सा कौन सी इंग्लिश आती है विच और हुज विच का प्रयोग जनरली जो है जो नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं निर्जीव उनके साथ आता है और अगर कोई पर्सन है पर्सन है तो उसके लिए हम कौन सा कौन सी इंग्लिश का लगाएंगे हुज़ लगा देते हैं देखिए फ्रेम है हाउ मैनी ऑब्लिक हाउ मच ऑब्लिक विच ऑब्लिक हुज़ प्लस नाउन मतलब इनके जस्ट बाद आपको नाउन लिखना ही लिखना है क्योंकि ये नाउन ही डिसाइड करता है कि यहाँ पर कितना की इंग्लिश हाउ मच लगेगी कि हाउ मैनी लगेगी ये नाउन ही डिसाइड करता है कि कौन सा की इंग्लिश विच लगेगी कि हुज़ लगेगी राइट देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम्हें कौन बुलाता है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है कौन अब कौन की इंग्लिश क्या होती है हो जैसे ही आपने हो को देखा तुरंत तो आपके माइंड में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि हो जो है वो दो तरीके से काम करता है एक ये क्वेश्चन वर्ड है दूसरे ये क्या है ये सब्जेक्ट भी है ठीक तो जब सब्जेक्ट मान लेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन करेंगे ट्रांसलेशन करेंगे वो हम अफामेटिक सेंटेंस की तरह करेंगे क्या कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते थे और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस सी एस करते थे हो हो गया ना वर्ब क्या है बुलाना अब सब्जेक्ट ये जो हु है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो एस आई एस लगेगा काल होता है तो हम क्या लगेंगे ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हें यानी यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है रवि सुबह में कितना पानी पीता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्डर क्या है कितना कितना क्या कितना क्या पानी पानी ये पानी क्या है नाउन है अब देखिए नाउन तो है अब आपको ध्यान देना है कि ये जो पानी नाउन है ये काउंटेबल है या मेजरेबल मतलब इसको आप गिन सकते हैं कि माप सकते हैं या तौल सकते हैं नाप सकते हैं तो, है. तो पानी है तो पानी को तो गिना तो जाता नहीं है पानी को मापा जाता है है ना या नापा जाता है तो आप यहाँ कितना गिन क्या लगाएंगे हाउ मच हाउ मच क्या उ मच वाटर हाउ मच वाटर फील हेल्पिंग वर्ग भी लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है रवि रवि सिंगलर लाऊ तो सिंगलर वाली हेल्पिंग वर भी लगेगी क्या डज डज रविना पीना क्या हो जाएगा ड्रिंक क्वेश्चन मार्क हाउ मच वाटर डज रवि ड्रिंक नेक्स्ट है वे शाम में कितने मील पैदल चलते हैं कितने क्या है ये क्वेश्चन वर्ड है कितने कितना क्या मील है ना मिल क्या या डिस्टेंस दूरी है दस मील बीस मील पाँच मील है ना तो मील को आप काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं तो जब इस नाउन को गिन गिन सकते हैं तो हम कितने की इंग्लिश का लगाएंगे हाउ मैनी लगाएंगे अब हाउ मैनी के साथ इनसे जो रिलेटेड नाउन है यानी मील इसको साथ मील लिखेंगे हाउ मैनी क्या हाउ मेनी माइल्स हाउ मेनी माइल्स उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे चूका सब्जेक्ट वे पिल्यूरल नंबर का है तो पिल्यूरल वाले ही हेल्पिंग लगाएंगे हाउ मेनी माइस डू दे they... चलना क्या होगा वॉक पैदल चलना है दे वॉक ऑन फुट ऑन फुट क्वेश्चन ठीक पैरों पर पैरों पर चलने का मतलब क्या है पैदल चलना है। ठीक है ना तो ये आपका था प्रेजेंट इन टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस और उम्मीद करते हैं कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे